जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कंपटीशन एंड फिटनेस हब में। तो जैसा कि पता है आपको कि फिजिक्स का अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो हर एक लेसन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको सारे कराता हूँ। और आज का टॉपिक है प्रत्यास्थता, ये अपना चैप्टर 11 है। तो जो भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा, और आपको क्या करना है साथ ही साथ मेरे तैयारी करते जाना है। और जो आपके आने वाले एग्जाम है एयरफोर्स एंड नेवी एंड एनडीए, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। ये जो भी सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। तो आप बस मन लगा के तैयारी करते रहिए, और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, जितने इम्पोर्टेंट होते हैं मैं बस वही कराता हूँ। फालतू का पढ़ा के क्या फ़ायदा, और आपको भी बहुत सिलेबस है, ज़्यादा फालतू पढ़ के क्या करोगे यार। स्मार्ट स्टडी करो, वही आज के ज़माने में ज़रूरी है। जमाना क्या, आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट स्टडी जो कर रहे हैं वही सक्सेस पा रहे हैं, जो हार्ड स्टडी में जुटे हैं। आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम थोड़ी ना क्लियर करना है अपने को, छोटा सा एग्ज़ाम है एयरफोर्स नेवी, बस थोड़ा आपको अगर 25 नंबर में आप 16 या 17 नंबर भी ले आते हैं तो बहुत है, आराम से फिजिक्स पोर्शन क्लियर हो जाएगा और कहीं मेरिट में भी नहीं फंसेंगे। तो बस उतना ही मन लगा के तैयारी करो, और ज़्यादा स्कोर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो परेशान होते हैं कि फिजिक्स कैसे क्लियर होगी। तो यार जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लो, और पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ताप वृद्धि के साथ प्रत्यास्थता का मान, जो ताप वृद्धि की जाती है तो प्रत्यास्थता के मान में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ताप और प्रत्यास्थता। तो अगर ये ताप में वृद्धि होगी तो प्रत्यास्थता का मान जो होगा वह घटेगा। घटता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है कि अगर इसमें कुछ भी वृद्धि की जाएगी तो यहाँ पे घटेगा, और अगर यहाँ पे घटेगा तो वहां पर बढ़ेगा। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हुक का नियम तब लागू होता है जब समान प्रत्यास्थ विकृति, कि हुक का नियम तब लागू होगा जब समान प्रत्यास्थ विकृति में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि तब हमारा हुक का नियम लागू होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, कि हुक का नियम तभी लागू होगा कि जब समान प्रत्यास्थ विकृति क्या होती है, छोटी होती है। ये हुक का नियम तभी लागू होता है जब समान प्रत्यास्थ विकृति छोटी होती है, छोटी होती है। बड़ी गर्मी है यार, और वो पीछे सब पंखा को इधर सब बंद करना पड़ता है, जिसके कारण बहुत गर्मी लगती है यार। मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूँ तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। गर्मी वर्मी सब भूलिए, बस स्टडी में लगी है। तो ये क्लियर है कि हुक का नियम तभी लागू होता है जब समान प्रत्यास्थ विकृति छोटी होती है। अगर ये बड़ी होगी तो ये हुक का नियम लागू नहीं होगा, छोटी होगी तभी ये हुक का नियम लागू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये कई बार पूछा जा चुका है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक तार को खींचकर दो गुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा। कोई तार है उसको हम खींच कर दो गुना कर देते हैं तो उसके यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वह एक समान रहेगा, समान रहेगा, क्योंकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर तार को खींच कर दो गुना करो या चार गुना करो या दस गुना करो, जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा वह समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्रव का दृढ़ता गुणांक क्या होता है, जो द्रव होते हैं उनका दृढ़ता गुणांक होता है शून्य होता है, हमेशा शून्य। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हम लोगों से बहुत पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी और एक भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, पर जो मैं बता रहा हूँ ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। इस टाइप के फिजिक्स में क्वेश्चन हमसे पूछता है,
ये तार वाला एक और ये द्रव का जड़ता गुणांक क्या होता है। द्रव का जड़ता गुणांक ऑलवेज 0 होता है, ये आपको क्लियर रखना है माइंड में। और द्रवों में क्या होता है, तो द्रवों में आयनन प्रत्यास्थता गुणांक होता है। द्रवों में आयनन प्रत्यास्थता गुणांक होता है। अगर पूछे कि द्रवों में क्या पाया जाता है, तो आयनन प्रत्यास्थता गुणांक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक स्प्रिंग पर भार लटका कर खींचा जाता है तो उसकी विकृति क्या होती है। एक स्प्रिंग है, उस पर भार लटकाते हैं, एक स्प्रिंग है उस पर एक भार लटका कर उसको खींचते हैं इस टाइप से, तो उसकी विकृति क्या होगी। तो उसकी विकृति होगी अपरूपण विकृति, अपरूपण, अपरूपण। राइट आंसर जो होगा वो अपरूपण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आयनन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम होता है, जो आयनन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम होता है वो कहलाता है संपीड्यता। संपीड्यता राइट ऑप्शन जो होगा इसका संपीड्यता होगा। आयनन प्रत्यास्थता गुणांक का जो अपोजिट होगा, व्युत्क्रम होगा, वो संपीड्यता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का अनुपात क्या होता है। जो स्पर्श रेखीय प्रतिबल होता है और जो अपरूपण विकृति का अनुपात होता है, जो स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का अनुपात कहलाता है दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक राइट आंसर है। स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को हम लोग दृढ़ता गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो सिरों पर टिका हुआ एक धातु का बीम, दो सिरों पर टिका हुआ है कोई बीम है, बीम है दो सिरों पर, उसमें बीच में भार लटका कर उसको भारित किया जाता है, तो जो बीच में उसके झुकाव होगा वो किसके समानुपाती होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि जो बीच में जो भार हम लोग लटकाएंगे उससे जो झुकाव आएगा, जब बीच में कोई चीज है दो सिरों पर है और आप उसमें भार लटकाएंगे तो बीच में झुका हुआ प्रतीत होगा, तो जो बीच में झुकाव होगा वह समानुपाती होगा 1/y के। राइट करता हूँ। आपको क्लास पसंद आई होगी यार, और पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, राम राम।